The 1 week, 1 lakh campaign was started by CSIR on the suggestion of Dr. Jitendra Singh, Union Minister of Science and Technology and Earth Sciences, with the aim of motivating the young generation of the country and showcasing the achievements of innovators. Under this campaign, 37 CSIR laboratories and institutes spread across the country are showcasing their unique innovations and technological achievements every week in a sequential manner. In this sequence, the Institute of Himalayan Bioresource Technology organized an exhibition from 20th to 25th of February in Palampur. The event showcased developments related to catalyzing economic growth through startups and entrepreneurs, making India self-reliant through farmer empowerment, promotion of waste management in colder regions, and women's empowerment. Exhibitions were organized on different days based on themes like innovation for better health, the role of artificial intelligence and machine learning in agriculture, and strengthening local connectivity. The different exhibits saw the enthusiastic participation of people. ये जो कार्यक्रम है ये हमारे माननीय जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, ये उनकी एक अवधारणा थी कि लैब का जितना भी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो जनमानस तक पहुँचे। तो उन टेक्नोलॉजीज़ को जनमानस तक पहुँचाने के लिए 1 week, 1 lab का प्रोग्राम IHBT में आयोजित किया गया, और ये प्रोग्राम 20 तारीख से शुरू होकर 25 तारीख तक रहेगा, जिसमें हमारे किसान मित्र, उद्यमी, स्टार्टअप्स, विद्यार्थीगण और आम जनता, ये सब आके हमारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जान सकते हैं। फ्लोरिकल्चर मिशन के अंदर हमने करीब 700 हेक्टेयर कवर किया है, 2000 किसान इसके साथ जुड़े हुए हैं हमारे इस मिशन के साथ, और साथ साथ एक हमारा इसमें मिशन ये भी है कि करीब 200 स्कूल में जाके फ्लोरिकल्चर के बारे में लोगों को जागरूक करें, विद्यार्थियों को बताएँ और अध्यापकों को बताएँ। साथ ही साथ इस मिशन के अंदर हम कई जगह लोगों को इसकी चीज़ें भी डिस्प्ले करते हैं, जैसे आप कई एयरपोर्ट पे देखेंगे वर्टिकल गार्डन, कई आप सरकारी दफ्तरों में देखेंगे वर्टिकल गार्डन। साथ ही साथ इसके अंदर हम कुछ स्टार्टअप्स और उद्यमियों को भी हम एक नई दिशा और नई तकनीकों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। साथ साथ कुछ क्रॉप्स जैसे ट्यूलिप्स हैं, लिलियम हैं, ऐसी ऐसी क्रॉप जो बड़ी हाई वैल्यूड क्रॉप है और जिनकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं थी और इनके लिए हम विदेशों पर निर्भर थे, ऐसी सारी चीज़ों को भी हम देश में लेकर आए हैं इस फ्लोरिकल्चर मिशन के माध्यम से। ड्यूरिंग इट्स 4 decades ऑफ एग्जिस्टेंस, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ CSIR IHBT हैज मेड सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स इन डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज थ्रू इट्स वेरियस R&D एक्टिविटीज। दिस इंक्लूड्स द कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर एंड एरोमेटिक प्लांट्स लाइक टी, सैफ्रन, Asafoetida in hilly regions of the country. The institute today has facilities like state-of-the-art laboratories, an internationally recognized botanical museum, and a pilot plant to process herbs and produce essential oils. Thanks to the continuous efforts of IHBT scientists, entrepreneurship has been promoted by strengthening agricultural production in high-altitude mountainous areas. Various varieties of Kangra tea, promotion of wild marigold cultivation, cultivation of saffron outside Kashmir, and efforts to indigenously cultivate imported produce like Asafoetida are some important milestones that have transformed bioresources into bioeconomy in the inaccessible hilly areas of the country. At the 1 week, 1 lab exhibition, IHBT introduced people to all such technologies. मैं ये भी कहना चाहूँगा कि नए नए चीज़ें यहाँ पर देखने को आज मिली हैं। ट्यूलिप्स जो कि पहले कहा जाता था कि किसी और प्रदेश में ही हो सकते हैं, यहाँ पर नहीं हो, तो यहाँ पर IHBT ने एक ट्यूलिप गार्डन इस्टेब्लिश किया है, जो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी पहल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पालमपुर में आए हुए टूरिस्ट के लिए ये खुला है, यहाँ पर टूरिस्ट आकर इस ट्यूलिप गार्डन को देख सकते हैं, सराह सकते हैं। टूरिस्ट के अलावा जो स्थानीय जनता है वो भी आप यहाँ पर आकर इसका लुत्फ उठा सकती है। और मुझे लगता है कि जो जो कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं उसके लिए हमें IHBT का बहुत धन्यवाद भी करना चाहिए। और आपसे हम लोगों ने आज ये भी चर्चा की है कि
ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज IHPT के पालमपुर में होने की हमें लेनी चाहिए। सरकार भी आपसे मिलजुल कर इस पर काम करेगी, हिमाचल प्रदेश की जो नई सरकार बनी है वो आपके साथ मिलकर इस पर काम करना चाहेगी, ताकि आने वाले जो हमारे जनरेशन हैं उनको बहुत इसका फ़ायदा मिल सके। IHPT CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन के तहत हमें फ्लावर्स दिए गए थे लास्ट ईयर, और हमने उस बेसिस पे एक्सपेरिमेंट किया था। लास्ट टाइम हमने ट्यूलिप और ग्लैटुलस लगाए थे, और इस और हमारे साथ अराउंड 20 से करीब फार्मर जुड़े हैं। फ्लोरिकल्चर की वजह से हमें फ्लावर बेचने का भी मौका मिला, और अराउंड 4-5 लाख का इनकम आया है। और इस साल हम लोग जो लीलियम और ग्लैडुलस के बजाय हम ट्यूलिप का भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक ट्यूलिप गार्डन भी हमने शुरू किया है, तो हमने ट्यूलिप बाहर इन हाउस भी लगाया है ग्रीन हाउस में, और आउटडोर भी लगाया है। इस बार हम लोग लद्दाख में पहली बार एक फ्लोरिकल्चर शॉप भी खुला है, और हमारे साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लेडीज़ जुड़े हैं वो लोग मार्केट में भी सेल करते हैं। और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि फ्लोरिकल्चर और CSIR की तरफ हमें हमेशा सहयोग मिले। IHPT's efforts to connect scientists in the laboratory to people in the field has been a huge success. Through its initiatives, the institute has developed more fertile varieties of plants and technology to transport region-specific crops to other places, as well as to bring them to the farmers' fields. The institute is also working to connect farmers, train them, and make their products available in the market. The 1 week, 1 lab campaign will further strengthen the synergy between science and society.